अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जुनैर रहमान और आज मैं अपने चैनल दी प्रॉपर्टी गाइडर से एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले जी, आप सब लोगों को, जिन लोगों ने ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर प्लॉट लिए हुए थे और 50% अमाउंट जो है वो अपनी कंप्लीट की थी 28 जून से पहले पहले, उनको मुबारकबाद कि ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने इन सबको जो है वो प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए थ्रू बैलेटिंग, जो लास्ट जो है संडे को, जो कल जो गुजरा है, साइड पे बड़ा शानदार किस्म का इवेंट हुआ जिसके जो चीफ गेस्ट जो थे वो शाहिद अफरीदी साहब थे और तकरीबन 7 से 8 हज़ार प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए हैं कंपनी ने। बट स्टिल अभी हमें बहुत सी कॉल्स रिसीव हो रही हैं और बहुत से क्लाइंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि हम किस तरीके से जो है वो अपना प्लॉट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम आपको तरीक़ाकार बता सकें कि आप किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लॉट जो है वो एलोकेट हुआ है। सबसे पहले जी, आपने ये लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा bluewallcity.com/overseasblog/, या तो ये आप सर्च बार में जाके लिख सकते हैं या आप गूगल पे जाके लिखें तो ये आपको लिंक जो है वो आ जाएगा सामने, और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जो है वो ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह इस डायरेक्टली इस पेज के ऊपर जो है वो आप राउट हो जाएंगे। और ये आप नीचे देख रहे हैं कि ये डिफरेंट मैप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, District 2, District 3, District 4। ये बेसिकली चंक्स के अंदर जो है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर जो है वो कंपनी ने मैप जो है वो शो किया हुआ है। इसमें मतलब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट 2 हो गया, इसमें 5 मरला के प्लॉट, डिस्ट्रिक्ट 3 में 10 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रखे गए। लेकिन ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये ओवरसीज़ ब्लॉक के मैप के हैं, ठीक है। अगर आपने चेक करना है कि जी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्ट्रीट में, कौन सा प्लॉट आपका है, तो ये ऊपर एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले जी, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपकी फ़ाइल का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने मेंशन करना है, और साथ में आपने अपना CNIC नंबर, जो रजिस्टर्ड CNIC नंबर है, आप वो डालेंगे तो आपको जो है वो रिज़ल्ट शो हो जाएगा कि आपके प्लॉट का जो है वो क्या नंबर बनता है। एक हम हमारे क्लाइंट हैं जी, उनकी, हमारे भाई हैं बहुत अच्छे, उनकी डिटेल्स हम आपको जो है वो यहाँ पर एंटर करके जो है वो शो करते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे इसके अंदर। ये आपके सामने जी जो है मैं रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, और आपने भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एंटर करना है, और उसके बाद CNIC की जो डिटेल्स होंगी आपकी, जो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो रजिस्टर्ड CNIC है, मतलब जो आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो है एंटर किया था, वो आपने जो है इसके अंदर एंटर करेंगे तब ही आपको ये जो है रिजल्ट्स शो करेगा। ये देखें जी, ये आपके सामने ये डिटेल्स आ गई हैं इसके अगेंस्ट। 7 मरला का प्लॉट था, डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर जो है वो अलॉट हुआ है, स्ट्रीट नंबर 20-40 फीट की जो है वो वाइड स्ट्रीट बनती है, और प्लॉट नंबर जो है वो 31 है। इसी तरह अब अगर आपने इस प्लॉट को एलोकेट करना है, सर्च करना है, चेक करना है कि कहाँ पे है, तो आप डिस्ट्रिक्ट 2 को ओपन करें। डिस्ट्रिक्ट 2 को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप स्ट्रीट नंबर 31 के अंदर जाएं और प्लॉट नंबर जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप चेक कर लें। सारी डिटेल्स के ग्रैंड मॉस कहाँ पे है, फ्यूचर एक्सपेंशन कहाँ पे होगी, डिफरेंट प्लॉट्स जो है उनका एरिया क्या बन रहा है, वो सारा इस मैप के थ्रू जो है वो आपको पता लग जाएगा। होपफुली जी, इससे जो रिलेटेड कन्फ्यूजन्स थी प्लॉट सर्च करने से रिलेटेड, वो इस वीडियो के थ्रू जो है वो सॉर्ट आउट होगी होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और मिलती रहें। थैंक यू।